इनको गलतफहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। अब कुछ तो शानदार है, जबरदस्त है और जिंदाबाद है। पूरे विश्व में देश का भौकाल है। क्यों? क्योंकि शानदार तो सीढ़ियां हैं, शानदार इमारत है, शानदार ठंडी ठंडी एसी की हवा है और शानदार बंद बोतलों में पानी है। सब कुछ शानदार है और देश की व्यवस्था को विकसित भारत में तब्दील करने की बात की जा रही है। आखिर सत्ता के चश्मे से देखेंगे तो यही परिदृश्य उभर के आता है और उसके अनुसार पूरी देश की जनता बस इंतजार कर रही है कि कब भारत विकसित हो जाएगा और हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब इन सब चीजों के बीच कोई सवाल उत्पन्न कर दे लोकसभा के भीतर और जनता के मुद्दों को जाकर के जनता के बीच में खड़ा कर दे कि आखिर गरीबी का क्या हाल है, तो सरकार इस पर क्या जवाब देगी? कोई सवाल खड़ा कर दे कि किस तरह से 90% जिनकी भागीदारी है उनका कोई नेतृत्व ही नहीं है, न सरकार में, न ही उद्योगपतियों के बीच में, न ही देश की परिस्थिति रणनीति होती है उसके बीच में। उन्होंने बजट का भी एग्जाम्पल दे दिया कि किस तरह से हलवा बांटा गया उसमें कि उन लोगों की कोई आबादी ही नहीं है, उन लोगों को फोटो से भी गायब कर दिया गया। जब कोई इस सत्ता से सवाल पूछ ले कि जो बहुसंख्यक है वो पूरी तरह से गायब कर दिया गया है, तो आखिर सत्ता क्या करेगी? सत्ता तो तिलमिला जाएगी और जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं होंगे। मंत्रियों पर ही आक्रमण किया जाएगा और मंत्री उस पर किस तरह से अपनी चुप्पी करते हैं और वित्त मंत्री कैसे अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं, माहौल उड़ाने की कोशिश करती हैं और हंसती रहती हैं। इन सब चीजों को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो खेमे तो दो बट गए हैं। पहला खेमा है सत्ता का, जो सत्ता का अहंकार का चश्मा लगा करके बैठी है और किसी भी चीज को देखना नहीं चाहती है। दूसरा खेमा है उन जनता का, उन युवाओं का जो नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, उन्हें मिल नहीं रही है। उस जनता का है जो देख रही है कि गरीबी कितनी बढ़ती चली जा रही है और महंगाई अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है। टमाटर के रेट बढ़ रहे हैं तो कभी प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, कभी लहसुन के। वो ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहे और कुछ उद्योगपति अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में। जब इन खेमों में पूरी देश बढ़ता हुआ चला जा रहा है तो किस तरह पे ये परिस्थितियां बननी शुरू होंगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और इन सब चीजों के बीच में जब आप बात करेंगे हिंदुत्व की, उस हिंदुत्व की जो विचारधारा बीजेपी लेकर के चलने का प्रयास कर रही है और देश को बता रही है कि वो ही सबसे बड़े हिंदू हैं, अब उस पर किस तरह से राहुल गांधी ने फिर से प्रहार किया और बता दिया कि आप हिंदू हैं ही नहीं। आप जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं उसको चक्रव्यूह में महाभारत से लेकर के शिव की बारात तक कैसे जोड़ दिया, किसी ने सोचा नहीं था कि राहुल इस तरह से बात कर सकते हैं, इस तरह से जवाब देंगे। जनता ने उनको किस तरह से परिपक्व बना दिया भारत जोड़ो यात्रा में, वो साफ लोकसभा में आप देखने को मिल रहा है। उन्होंने चक्रव्यूह की बात कर दी, उसको किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया और सत्ता को घेर लिया। उस चक्रव्यूह के जो कमल का फूल था उसको वहां से भी उठा करके अब मौजूदा परिस्थिति में ला करके खड़ा कर दिया और उन 6 लोगों की जो चक्रव्यूह में अभिमन्यु को वध किया था उनको भी मौजूदा सत्ता में लाकर के पिरो दिया। दोस्तों अभिवादन स्वीकार कीजिए आमिर खान आजाद का, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और कुछ सवाल हैं जो सत्ता से पूछने अहम हैं और सबसे ज्यादा अहम यह है कि वो सवाल जनता तक पहुंचने चाहिए और उनका परिदृश्य कैसे उभर के आता है, इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था, 6 चक्रव्यूह में फंसा कर मारा था। सर चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा कर ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है, हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ,
मीडियम साइज बिजनेस की शेयर। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्णा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। व्यू के शुरुआत में हमने बात की थी, सत्ता जिस चश्मे से देखना चाहती है देश को, कि सब कुछ शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद है। उसमें हमने बड़ी बड़ी इमारतों की बात की, सीढ़ियों की बात की और गलियारों की बात की। लेकिन जब इस बात को राहुल गांधी उठा रहे हैं कि आखिर गरीबों का क्या हाल है, तो वो साफ तौर पे जान रहे हैं कि जो सत्ता में मौजूद हैं, उनका अहंकार इतना बढ़ गया, जनता से कोई सरोकार है नहीं। वो ये नहीं जानते हैं कि दलित कितना है और किस आधार पर सत्ता से गायब हो चुका है, उसका कोई आंकड़ा नहीं है। वो नहीं जानते हैं कि मुसलमान सिर्फ खुली हवा में सांस लेने के लिए भी बेचैन हो गया है। वो ये बात नहीं जानते हैं कि आदिवासी किन परिस्थितियों में रह रहा है और पिछड़ा वर्ग कितना पिछड़ता चला जा रहा है आर्थिक परिदृश्य पे। वो साफ जानते हैं कि सत्ता को इन बातों से कोई सरोकार नहीं है और सत्ता इन चीजों को देखना नहीं चाहती है, आंखें मूंद लेना चाहती है। फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं। अब युवाओं के लिए आपने क्या किया, बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी और ये शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं 10 साल में 70 बार हुआ है। तो पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में। एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा और उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है, 2.5% ऑफ बजट इज गॉन टू। जब राहुल गांधी सत्ता से ये सवाल पूछ लें तो प्रधानमंत्री जवाब देने को मौजूद नहीं है और जो मंत्री वहां पर बैठे हैं वो भी सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका जनता से सरोकार रहा नहीं है। जब वो पूछ लेते हैं वित्त मंत्री से तो वित्त मंत्री समझ नहीं पाती और अपने हाथ पे सर पर हाथ रख लेती हैं और मुस्कुराने लगती हैं। राहुल गांधी वहीं पर टोक देते हैं कि मैडम ये मुस्कुराने वाली बात नहीं है, ये जातिगत जनगणना की बात हो रही है, देश की परिस्थिति को बदल कर रख देगा, देश की पूरी रूपरेखा बदल जाएगी। वहीं पर जब वो बात कर देते हैं संविधान अग्निवीरों की तो राजनाथ सिंह खड़े हो जाते हैं। तो राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह को साफ शब्दों में कह दिया कि आप कह रहे थे कंपनसेशन मिला है 1 करोड़ रुपए, अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन नहीं मिला है, उन्होंने जो बीमा कर रखा था उसका कंपनसेशन मिला है, वो पैसा मिला है जो उनको प्राप्त हुआ है। आपने पिछली बार भी भरत भरी लोकसभा में झूठ बोला था और आज भी झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो राजनाथ सिंह खामोश हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। आखिर ये परिदृश्य कब आपने देखा था कि सत्ता में बैठे लोग अपनी बातों को झूठ स्वीकार कर लें और बैठ जाएं? बजट का जो हलवा है सर ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा, 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया,
फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। लोकसभा में जब अंडानी और अबानी का जिक्र करने लगे राहुल गांधी, तो संसदीय मंत्री किस तरह से उस पर आक्षेप करने लगे, और आक्षेप करने के बाद राहुल गांधी किस तरह से वाकपटुता के आधार पर कहने लगते हैं, आप अडानी अबानी का नाम नहीं सुनना चाहते तो हम A1 A2 कर लेते हैं, और उस नाम से उनको संबोधित करते हैं, और वो कहते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती आप उसको डिफेंड करना चाहते हैं, कि ये यही लोकतंत्र है। स्पीकर सर, मैं समझता हूं मंत्री जी को अडानी जी और A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं, नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा सर। ही इज परमिटेड टू डिफेंड देम सर, इट इज अ डेमोक्रेसी सर, ही कैन डिफेंड देम, वी अलाउ हिम टू डिफेंड देम सर। ऐसा होता है क्या? A1 एंड A2 सर, आपके हैप्पीली सर। ने वीडियो के शुरुआत में जिक्र किया था कि राहुल गांधी ने आज चक्रव्यूह की बात कर दी, राहुल गांधी ने लोकसभा में महाभारत का विद्वंद छेड़ दिया और बात कर दी शिवजी की बारात की, तो इन प्रदेशों को आज हम स्पष्ट करते हैं कि उनको किस आधार पर उन्होंने समझाया और देखा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब चक्रव्यूह रचा गया तो उसमें 6 लोग महत्वपूर्ण थे, और उस समय पर भी जो लोटस होता है उसी आकार में, जो कमल होता है उसी आकार का चक्रव्यूह रचा जाता था, आज भी वही चक्रव्यूह रचा जा रहा है। जो लोग बात कर रहे हैं वो हिंदुत्व और हिंदुत्व की राजनीति और हिंदुत्व को स्वीकार करने की बात करते हैं बीजेपी के लोग, तो राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा कि ये कौरवों वाली राजनीति आप कर रहे हैं, जिस तरह से कौरव असली मायने में हिंदू नहीं थे, उन्होंने हिंदू धर्म को क्षति पहुंचाई थी, उसी प्रकार से आप पहुंचा रहे हैं। किस तरह से कौरवों ने जो छड़ित किया सारी चीजों को, अभिमन्यु को मारा, उसी प्रकार से आज उन्होंने 6 लोगों का क्या नाम लिया, उन्होंने कह दिया कि जिस प्रकार से द्रोणाचार्य के साथ सभी लोग 6 लोग संलिप्त थे, उसी आधार पे आई पर अजीत डोवाल ने कैसे अपना कार्य किया है गवर्नेंस के तौर पे, ये जग जाहिर पार्टी को और संगठन को कार्यकर्ताओं को लेकर के जो चलते हैं वो मोहन भागवत हैं, और पॉलिटिक्स और फंडिंग को जो पूरी तरह से लेकर के चलते हैं फंडिंग को, वो अडानी और अंबानी हैं, जिनका जिक्र A1 और A2 के माध्यम से राहुल गांधी ने कर दिया। और पार्टी को चलाने के लिए जो मोदी और अमित शाह की टोली है, यही वो टोली है जो 6 लोगों का चक्रव्यूह तैयार कर रही है उस कमल कलम के माध्यम से। राहुल गांधी ने कहा, देश की जनता को इस चक्रव्यूह तोड़ने की आदत है और इस चक्रव्यूह को तोड़ेगी, हमने पहले भी चक्रव्यूह तोड़ा है, आजादी दी है, संविधान दिया है, मनरेगा लाया, हरित क्रांति लाया, श्वेत क्रांति लाया, जिसके माध्यम से इन चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास किया, फिर से चक्रव्यूह हम तोड़ने में सफल होंगे और इस चक्रव्यूह को तोड़ करके देश की जनता को उसके हक दिलाएं। उस चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने 70% आबादी का भी जिक्र कर दिया, जो आदिवासी है, दलित है, अल्पसंख्यक है। राहुल गांधी ने कह दिया कि जिस तरह से वित्त मंत्री ने हलवा बांटा है बजट का, वो हलवा जो आप तस्वीरें देख सकते हैं पूरे देश में फैल चुकी हैं, राहुल गांधी लोकसभा में लेकर के गए लेकिन वो दिखा नहीं सके, लेकिन फिर भी वित्त मंत्रालय की तरफ से वो तस्वीरें साझा की गई हैं, उनको आप देखेंगे, उस हलवे का जिक्र जिस तरह से राहुल गांधी ने कर दिया, लोगों ने और सत्ता ने सोचा नहीं था कि इस तरह से हलवे का जिक्र हो सकता है। अब उस हलवे को किस तरह से उन्होंने कह दिया कि बांटा गया, और वो उन लोगों को नहीं बांटा गया जिनका उस पर हक है, किस सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के पास वो हलवा पहुंचा है, और उन लोगों को तो तस्वीर से भी गायब कर दिया गया जिनका उस पर ज्यादा हक था। राहुल गांधी जातिगत जनगणना को लेकर भी संसद में आक्रामक थे, आज भी उन्होंने कह दिया कि 2011 के जो सर्वे हुआ था उस आधार पर हम जानते हैं, लेकिन 2011 के बाद 13 साल बीत चुके हैं, अब जनगणना हुई नहीं है जो 2021 में होनी थी, अब जो जनगणना होगी और उस जनगणना को हम करा करके रहेंगे और जातिगत जो संरचना है उसको भी तोड़ेंगे, इस आधार पे जो कानूनों किसानों के साथ MSP है उसको भी लीगल गारंटी बना करके देंगे, प्रस्तुत करेंगे और इसी लोकसभा में वो बिल पारित करेंगे, जिसमें हिम्मत हो वो रोक लेगा। इस तरह की जब बातें वो कर रहे हैं तो किस आधार पर वो नीचे जाकर के काम करना चाहते हैं, देश की जनता के साथ खड़ा हो जाना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह की राजनीति कई वर्षों से देखी नहीं गई थी, जिस तरह की राहुल गांधी राजनीति अब स्वीकार कर रहे हैं और जमीन पर उतर के कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज राहुल गांधी के भाषण को सुनने के बाद 3 सवाल उत्पन्न होते हैं जो देश की दशा और दिशा निर्भर करेंगे किस तरह से परिवर्तित होगी। पहला सवाल यह है कि क्या मोदी मीडिया यानी गोदी मीडिया समझ गया कि सरकार उसको कभी भी बांध सकती है, क्योंकि आज सरकार ने उसको एक कैबिन में बंद कर दिया और कहा कि आप लोकसभा की कार्रवाई में इस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकते, सांसदों से नहीं मिल सकते, परेशान नहीं कर सकते, और उनसे मिलने भी कौन गए, सिर्फ राहुल गांधी मिलने गए, कोई सांसद मिलने नहीं गया। उन्होंने जिस तरह से गोदी मीडिया ने राहुल गांधी का माहौल बनाया था, उनको बदनाम करने की कोशिश की थी पिछले सालों में, उसके बाद भी वो व्यक्ति उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि पहले हमको बंद करते थे, आज आपको बंद कर दिया, तो ये परिदृश्य बहुत साफ होता है
और इस सवाल पे आप क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दूसरा सवाल क्या उत्पन्न होता है, दूसरा सवाल उत्पन्न होता है कि बजट को देखकर जो मिडिल क्लास है वो समझ गया है कि हम सिर्फ थाली बजाते रहेंगे, मोबाइल की टॉर्च की रोशनी जलाते रहेंगे और मोदी के साथ खड़े रहेंगे तो हम पर कितना टैक्स का बोझ लाद दिया जाएगा। तो क्या वो जो मिडिल क्लास है वो खिसकने की कोशिश कर रहा है और राहुल के साथ खड़ा हो जाएगा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा सवाल क्या उत्पन्न होता है, तीसरा सवाल यह है कि मौजूदा सत्ता क्या अब और उग्र और उत्तेजक हो जाएगी अपनी राजनीति को लेकर, या फिर पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। गायब होने वाली बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने आज भरी लोकसभा में कह दिया कि अब हमारे भाषण के बीच में यह भाषण चलते हुए भाषण में राहुल प्रधानमंत्री तो खड़े नहीं हो सकते और वो आएंगे भी नहीं, अब वो अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं करवा सकेंगे क्योंकि वो इन भाषणों को सुन नहीं पाएंगे क्योंकि ये देश की जनता की हकीकत है। तो साथियों जो तीन सवाल हैं आज के भाषण के बाद निकल करके आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन सवालों पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो यदि आप पूरा देखते हैं तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं और सबसे अंत में हम इन सवालों को वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दों को और इस तरह की राजनीति को हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहें ऐसे वीडियोस के माध्यम से तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आदाब स्वीकार कीजिए, आमिर खान आजाद का जय हिंद जय भारत।